थोड़े से क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें कि आपको एक फील आनी चाहिए यहाँ की। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बट उस टाइम पे मैं खाली एंजॉय करने आया था। इस टाइम पे भी एंजॉय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम के मतलब से ज़्यादा आया हूँ। और कुछ मेरे ब्रदर्स वहाँ पे हैं, कुछ इधर की तरफ हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे हम रिवर साइड आए थे। हमने व्लॉग शूट करा था, बहुत कुछ करा था, सनी साइड अप एंड ऑल, आप सारे जानते ही हो। आयुष, गुड मॉर्निंग। एंड यार पीछे देख लो क्या ही शूट हो रहा है, हाँ मज़ा आ रहा है। पीपल के बहुत बहुत अच्छी स्माइल आपकी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सच्ची। वही प्राणी है जो अजीब प्राणी है, इसकी क्या हरकतें बताऊं, मेरे को खुद शर्म आती, क्या ही होता। बस समझ जाओ लड़का जाना बजाना है, जगह कौन सी वाली, कौन सी वाली, बड़ा मजाक लग रहा है। इसको भी जाना है और मेरे साथ ही आया था यार, हम इतना ब्लॉग जल्दी बाजी में शूट नहीं कर पाए, एक्चुअली हम लेट हो गए थे। बाकी तू बता आज का कैसा लगा था? मुझे तो मीटिंग करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके बारे में पता करना चाहिए। करो ना मैं, यस करो ना मैं, मीटिंग करनी मस्ती करी है, चलो बाद में बात करते हैं। सो गाइस जैसे आप सभी को पता है यार, फेस्टिवल वीक चल रहे हैं आज, तो उसी चक्कर में वहीं जा रहा, थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, फिर निकलना अपने नानी के घर। हाँ यार, जब त्योहार आता ना बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे रिलेटिव्स के घर जाओ, रिलेटिव्स का ये तो अपना ही घर है नानी का, हाँ अच्छा सा लगता है। वो बचपन की यादें जो होती है ना, मेमोरीज, नानी के घर जाना गर्मियों की छुट्टियों में, स्कूल के, जैसे कि हम नॉर्मल अगर बात करें, मतलब मैं घूमता तो हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, शौकीन हूँ, मगर हाँ बेसिकली हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करें ना, तो नानी के घर ही जाते थे, वहाँ पे सारे हम भाई मिल के खेला करते थे। लेकिन यहाँ तो जाम लगा हुआ है, क्या ही करें।
मतलब इतना जाम हो रखा है ना, फेस्टिव सीजन जब चलता है ना बड़ा ही जाम होता है। और अपने घर के पास वाली ही मार्केट में आया हूँ, इतने भीड़ में ना मुझे चलानी पसंद नहीं है, इतना पी पा पू पू शोर होता ना, ये देखो मन तो करता है कि दो चार निकाल ही दूँ। और इवन मुझे भी नहीं यार पसंद आता इतना फोन चलाना है, यूज़ करना इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। कतई ही मतलब इतना जाम हो रखा है ना। अभी आया हूँ मैं स्वीट्स लेने। हाँ भाई राइड का है ये देखो जी ब्रदर, आप देख सकते हो पूरा मतलब मेरी लेटेस्ट वीडियो है अभी। आपका अकेले का चैनल है? हाँ ब्रदर मेरा अकेले का ही है, इसमें मेरे जैसे कि बाइक से रिलेटेड है। थैंक यू ब्रदर जी ब्रदर, मतलब मेरा ये देखो यही मेरी गाड़ी है, इसी से मैं राइड करता रहता हूँ। मतलब अभी मैं ना बहुत सी ऐसी राइड है जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ब्रदर करवा दे यार थोड़ा जल्दी यार। भाई साहब जहाँ भी जा रहा हूँ ना वहाँ ही जाम ही जाम जाम ही जाम। और आज ना मैंने यार वो ब्लू टेक लगाया था इस पर यूज़ करने के लिए, क्यों? क्योंकि आज भाई बिल्कुल ही सुबह से बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा यार आज जाना है तो लगा लेते। तो पता ही है यार ब्लू टेक लेके आता हूँ मैं अपने एक्शन कैम के लिए, क्योंकि ताकि वाटर प्रूफ बन जाए, मतलब वाटर प्रूफ नहीं इन द सेंस वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि बारिश में अपना ठीक रहेगा। बाकी तो यार सतनाम श्री वाहेगुरु गुरुद्वारा आ गया था, क्या करें यार कहाँ से जाए, यहीं से चलते हैं। पर अलग ही क्रेज है गलियों का भी, अगर भाई अपने एरिया की गलियाँ नहीं जानते ना तो फिर तो तुमने कुछ भी नहीं घूमा। अगर तुमने अपने एरिया की गलियाँ नहीं नापी ना फिर तो समझो कुछ भी नहीं घूमा तुम। बाकी अब तो निकलते हैं भाई, पेट्रोल भरवाना है, ज़्यादा नहीं भरवाऊँगा क्योंकि यार अब ज़्यादा जाना बाहर हो नहीं पा रहा, क्योंकि भाई अपने एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो उस चक्कर में इतने भाई जाम में। और जो बंदा रास्ता खाली है इतनी धीरे चला रहा ना, बड़ी खुंदा बात यार। बाकी यार अब तो यार बारिश ना ही है तो अच्छा है, ठंडा तो मौसम हो ही गया है, अच्छी बात है, ठंडा रहना भी चाहिए बट लेकिन बारिश ना है, सुबह आ जाती तो चल जाता, अब रात में दिक्कत है यार। 101 102 तो रहते ही रहते भाई, 99 का कर देना, 95 ऑक्टेन भी आ गए यहाँ पे यार, प्रीमियम पेट्रोल है। और यार मुझे ना यार इसका माइक भी लेना है एक नया, क्योंकि यार ये तो हो गया बिल्कुल फिस, इसने जितना चलना था चल चुका, अब एक नया माइक नया अडेप्टर सब कुछ इसका लेना है यार, अच्छी तरह सामान लेना है। और इसके लिए मैं कुछ मॉडिफिकेशन के लिए सोच रहा हूँ अगर वो हो पाई, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इसका सामान इतना मिलना मुश्किल हो रहा है पता नहीं क्यों। क्योंकि यार मैंने इसके ना थोड़ी सी सोचा था विंडस्क्रीन लगा दो तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगी और अच्छा इफेक्ट आएगा, बट यार दिल्ली में अवेलेबल ही नहीं है, मिल रही तो जलंधर में मिल रही है वहाँ से, बट वो ये कि ना वहाँ पे अभी कुरियर वाला सिस्टम ऑन नहीं है, वरना तो मंगा लेते। कोई नहीं बट चलो जल्दी से मैं करोल बाग जाऊँगा, करोल बाग में देखूँगा द्वारा जाके, भाई बहुत चक्कर लगा चुका हूँ बट कोई नहीं। वैसे भी अभी भी हमारी प्रीत तो अच्छी है, और भाई 21 अगस्त को मेरे को मिल गई थी 2019 के में मैंने ली थी यार, और तीसरा साल लग चुका यार गाड़ी के साथ, तब बहुत ही अच्छी गाड़ी यार, एंड हैप्पी बर्थडे प्रीत तो। चलो जी आगे मिलते हैं। भाई जिसका मैं कह रहा था वैसे अपने नानी के घर से होके आ चुका हूँ, लेकिन जिसका मेरे को डर था बारिश का वो हो गई है, और फर्स्ट टाइम मैं चेक कर रहा हूँ अपने वाटरप्रूफ केसिंग को, मैं चेक करूँ कि बारिश में यार कैसा रहता है, सब कुछ सही तरीके से जाए, सही तरीके से हो जाए, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए। वाटर रेजिस्टेंस तो मैं बनवा ही चुका हूँ, देखो काम आता नहीं आता, मैंने ब्लू टेक जो इन्वेस्ट करी है चीज़ कि देखो कैसा चलता है। भाई यार ये सड़कों में सोते हैं कितनी दिक्कत होती होगी यार, इतना हार्ड टाइम, हम कहते हैं यार हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट यार इनको देखो क्या कुछ भी हो रखा है, इनकी गलती है वट एवर एक्स वाई जेड क्या है मुझे नहीं पता, तो जो मर्जी कर रखो बट यार तो जो तुम्हारे पास होता है ना उसका शुक्राना करो ऊपर वाले से, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी तो यार बारिश के मज़े लो, यहाँ गीला हो गया हूँ। तो यार क्या ही यार अंधेरे में कैसे चल रहे हैं, मैं क्या ही बोले मुझे गाड़ी ही निकल जाती है, पता क्या अपने को ये डर था कि उसको ना लग जाए, और अपनी हार्ड पैकिंग की वजह से चक्कर तो ये होता कि फिर पीछे वाला ना मार दे। मैं बड़े कुछ होते हैं यार, बहुत कुछ देखना पड़ता है गाड़ी चलाते, मैं बारिश में ड्रिजलिंग हो रखी थी वो होकर ख़त्म भी हो गई पता भी नहीं लगा। चलो सही है,
और वैसे जो आज की राइड रही है ना इतनी बढ़िया रही है, और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा तो यार वहाँ पे भी कर ही लो, क्योंकि यार बड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ रहे हो, हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है। तो एक इंस्टाग्राम की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और यूट्यूब की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो दोनों जगह यार फॉलो करो, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं, फ्री का डर डालो यार भाई को।